हाय, ये है मेरा हैप्पी हार्वेस्ट। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हम बात करेंगे हल्दी कैसे और कब उगाते हैं और हार्वेस्ट कब करते हैं। हाय, मेरा नाम है श्वेता और मेरे चैनल का नाम है माय गार्डन या माय प्लेस। क्या आपको पता है हल्दी एक फ्लावरिंग प्लांट है और इंडियन मसालों में इसका बहुत यूज़ होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो सूखी पत्तियाँ देख रहे हैं, ये यही निशानी होती है कि हल्दी हार्वेस्ट करने लायक हो गई। अब हम इन सूखी पत्तियों को हटाएंगे और अपनी अपनी हल्दियाँ हार्वेस्ट करेंगे। हल्दी को लगाने का सही टाइम जून से जुलाई का होता है। इसको सैंडी सॉइल यानी रेतीली मिट्टी बहुत पसंद है। वैसे देखा जाए तो कभी भी आप ग्रो कर सकते हैं, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और हार्वेस्ट हम तभी करते हैं जब इसकी पत्तियां बिल्कुल सूख जाए। बिल्कुल इसी तरीके से करीब 8 से 9 महीने के बाद हल्दी को हार्वेस्ट करना चाहिए। मैं आज 1 साल के बाद हल्दी हार्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा हल्दी चाहिए थी। ये काफ़ी अंडर तक ग्रो हो चुकी हैं और ये बहुत ही मेहनत का काम है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मेहनत लगती है किसी भी हल्दी को निकालने के लिए। तो यहाँ मैंने ग्लव्स पहन लिए और मैं आराम से हल्दियाँ निकालूंगी। ये इसलिए इतनी आराम से निकल रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें गुड़ाई कर चुकी हूँ और इन हल्दियों को थोड़ा मैंने ऊपर उठा दिया था। हल्दी हो या कोई भी ऐसी सब्ज़ियाँ जो ज़मीन के अंदर उगती हैं, उनको रेतीली मिट्टी बहुत पसंद है। तो अब हम आराम आराम से हल्दियाँ उगाएँगे और इनका लुत्फ़ उठाएंगे। ये है मेरा आज का हार्वेस्ट। सिर्फ इतना नहीं, मैंने 2 ट्रे हल्दी निकाला है आज। तो आज से आप भी अपनी हल्दी की जर्नी हेल्दी हेल्दी शुरू कर दीजिए। देखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। हल्दियों को निकालने के बाद अब धोने की बारी आई क्योंकि ये काफ़ी मिट्टी में है। अब हम इन हल्दियों को अच्छे से धोने के बाद यूज़ भी कर सकते हैं। क्या आपको पता है कच्ची हल्दी कितनी फ़ायदेमंद होती है हमारी डे टू डे लाइफ में? आप पानी में उबाल के या दूध में इसको बॉईल करके ले सकते हैं, थोड़ा सा इलायची पाउडर और बस काम बन गया। तो ये है मेरी हल्दी जो रूट्स वाली है। हम इसी से इसको वापस से ग्रो भी कर सकते हैं। तो है ना आसान हल्दी को ग्रो करना? तो आप भी जल्दी जल्दी शुरू हो जाइए।